हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मसाला पराठा के बारे में बताने जा रही हूँ, और जो बहुत फटाफट बन जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि मूड नहीं है सब्ज़ी बनाने का, या कुछ भी नहीं है कोई सब्ज़ी, तो हम लोग इसको फटाफट बना लेते हैं। इसको टिफिन में भी, लंच में भी, पैक करने में भी बहुत आराम से हो जाते हैं ये, और बहुत ही जल्दी बनते हैं। देखिए इसमें क्या क्या लगेगा। इसमें ये हम कसूरी मेथी लेंगे एक चम्मच। पहले मसाला तैयार करेंगे, फिर आटे की रोटियां बेलेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए हमको लगेगी कसूरी मेथी, लगेगी जीरा, अजवाइन, नमक, और ये थोड़ा पीसे मिर्च लगेगा, गर्म मसाला लगेगा, इतना सामान लगेगा। देखिए पहले हम सारे मसाले को मिला लेते हैं। तो पहले ये कसूरी मेथी को प्रेस कर लेते हैं थोड़ा, तो ये महीन हो जाए। एक चम्मच लेते हैं, ये देखिए एक चम्मच कसूरी मेथी है, देखिए एक चम्मच, दो चम्मच हमारी कसूरी मेथी है, फिर प्रेस कर लेना इसको थोड़ा। ये एक चम्मच जीरा, ये एक चम्मच साबुत जीरा डाल दिया, और ये एक चम्मच इसमें हमने अजवाइन डाल दिया, और ये नमक एक चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया, फिर ये गर्म मसाला डाल देते हैं एक चम्मच सब चीज़, और ये कुटी मिर्चा भी आधा चम्मच डाल देते हैं कुटी मिर्चा, और फिर इन सबको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें कुछ भी मिलाना नहीं है, और थोड़ा एक आधा चम्मच हींग मिला देते हैं। चलिए ये देखते हैं कि जैसे रोटी के लिए लोई लेते हैं, उससे थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं बस। और ये हमने देखिए चार लोई लगाई है, तो ये पराठे रोटियों की तरह इसको देखिए ये सब हमने मिक्स करके रख देते हैं इसको इधर, और अब हम आटा तैयार करते हैं। तो ये जैसे रोटी का आटा हम लोग लगाते हैं, वैसे ही रोटी का आटा मार के उतना ही सॉफ्ट रख देते हैं। इसके बाद इसके हम रोटियों जैसी गोल गोल बेलते हैं, और देखिए ये हमने रोटी के बराबर इसको रोटी के बराबर गोल गोल बेल दिया। अब इसमें एक चम्मच घी डालते हैं, आप देसी घी डालना चाहे डाल दीजिए, आप जो सा भी घी रिफाइन वगैरह जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। और ये एक चम्मच ये मसाला ऐसे छुपा के ले लेते हैं, इसको भी बीच में डाल देते हैं, फिर ये पूरे में ऐसे लगा देते हैं, फैला देते हैं अच्छी तरीके से, ताकि सारे जगह पे घी और ये मसाला अच्छे से एक लग जाए। फिर इसको जो है, फिर ये चाकू से, ये गोल है पूरा, तो इसके बीच से पूरा आधा नहीं करना है, एक हिस्सा ऐसे कट कर देना है, और कट करने के बाद इसको ऐसा फोल्ड करते हैं, और फिर इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं, और इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर इसको देखिए ये हम सेक रहे हैं, सिक गया है एक तरफ का, तब घी लगा देते हैं थोड़ा, और ऐसे ये पराठा तैयार हो गया। जब तक ये दूसरा पराठा बन रहा है, देखिए ये हमारे परतदार मसाला पराठे तैयार हो गए। देखिए इसमें सारे परत अलग अलग खुले हुए हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा पराठा लगता है खाने में गर्म गर्म। चाय के साथ ले लीजिए, आप चाची से ले लीजिए, जब भी भूख लगे पराठा बना लीजिए और खा लीजिए, और पका के जरूर बताइएगा कमेंट में कि कैसे लगता है।